पहला सेमीफाइनल रौनक पब्लिक स्कूल वर्सेस साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल. प्लीज वेलकम द जूनियर्स फ्रॉम रौनक पब्लिक स्कूल. रौनक पब्लिक स्कूल बहुत ही जबरदस्त क्वार्टर फाइनल का मुकाबला. ये एक ऐसी टीम है जो बहुत मजबूत लग रही है इन सारे सेमीफाइनल्स में, क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स में बहुत ज्यादा इनको मेहनत करनी नहीं पड़ी थी. लेकिन अब यहाँ पर इनको दिखाना होगा अपना खेल. और इस सेमीफाइनल में इनका मुकाबला है एक ऐसी टीम से, साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन ये सेमीफाइनल्स है. प्लीज वेलकम द डिफेंडिंग नेशनल चैंपियंस साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल. साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा वही होता है जो पहले पीछे पीछे चले और फिर बाद में दौड़ लगा जाए. क्वार्टर फाइनल्स में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई थी इनको. ज्ञान गंगा ग्लोबल स्कूल ने इनको जबरदस्त टक्कर दी. एक पॉइंट से इन्होंने वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीता और अब यहाँ पर आ गए हैं एक वर्चुअल फाइनल में, क्योंकि इनका मुकाबला है रौनक पब्लिक स्कूल से. तो पहले सेमीफाइनल का आगाज, पहले सेमीफाइनल का पंगा शुरू हो चुका है केबीडी जूनियर सोनेपत सिटी फाइनल्स में. और डिफेंडिंग चैंपियन साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल का मुकाबला पिछले साल के उनके दोस्तों के साथ रौनक पब्लिक स्कूल की. और क्या जबरदस्त शुरुआत. पहले ही रेड में आशीष चले गए. जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियन साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल की. बोनस ऑन है यहाँ पर रौनक पब्लिक स्कूल के रेडर के लिए. 20 सेकेंड की रेड, हर एक रेड डू और डाई. एडवांस टैकल था. और ये टर्न किया, टर्न एंड ट्विस्ट, लेकिन डिफेंस का टाइमली सपोर्ट. रौनक पब्लिक स्कूल नीचे जाना चाहते थे, लेकिन बेहतरीन स्केप किया यहां पर राहुल ने. रेड पर इस समय राहुल, सुपर टैकल ऑन. तीन या तीन से कम प्लेयर जिस समय कोर्ट पे हो, ये सुपर टैकल क्या होगा. ऑल आउट के नजदीक पहुंच गए रौनक. रौनक पब्लिक स्कूल का सिर्फ एक प्लेयर बाकी है, हैप्पी इस समय रेड पे है. पिछली बार उन्होंने ऑल आउट के खतरे को कुछ समय के लिए टाला था, लेकिन अब वक्त निकलता जा रहा है. इस बार वो शायद ऐसा ना कर पाए. ये देखिए टैकल हो गए. पॉइंट्स अब आप देख लीजिए, तीन गुने की लीड. और रौनक इंटरनेशनल रौनक पब्लिक स्कूल को दो पॉइंट मिलते हुए यहां पर. आठ पॉइंट्स ऑलरेडी बना चुके हैं. सुपर टेन के बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं राहुल. क्या एक और सुपर टेन उनसे देखने को मिलेगी. ये आखिरी रेड है हाफ टाइम के पहले अपना समय लेते हुए, लेकिन बोनस लेकर लौटे हैं. जबरदस्त रणनीति. और हाफ टाइम पर साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल 19-7 डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह इन्होंने
खेल दिखाया है। 19-7 यानी कि 12 पॉइंट का फासला इस समय साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल के पास, लेकिन दूसरा हाफ अभी पूरा बाकी। 5 मिनट का वक्त जरूर हाथ में है। 4 खिलाड़ी डिफेंस में, ये डिफेंस आसान नहीं होता पॉइंट्स के लिए। सुपर 10 लगा चुके हैं राहुल, 10 रेड पे 10 पॉइंट। सिर्फ एक बार टैकल और ये दूसरी बार टैकल हो गए। रेड आउट, 1 पॉइंट रौनक पब्लिक स्कूल। साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल बहुत ही बढ़िया बढ़त उन्होंने बना रखी है। मनीष अब रेड पर है, 2 पॉइंट अब तक ले चुके हैं। बोनस ऑन है, 6 खिलाड़ी मौजूद मैट पर। बोनस प्लस पॉइंट और बोनस के साथ एक और पॉइंट लेकर लौटे हैं। 2 बार टैकल हुए राहुल, ये तीसरी बार मिड लाइन को क्रॉस कर गए। सुपर 10 हो चुका है राहुल का, 11 रेड पॉइंट्स आज। सेमीफाइनल में अपेक्षाकृत आसान जीत की ओर बढ़ता हुआ, 1 मिनट का वक्त बाकी, 17 पॉइंट का फासला, अब सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है। यहाँ पर रेडर तो फंस गए, लेकिन एक और खिलाड़ी साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल का सेल्फ आउट भी हुआ है। वर्ल्ड स्कूल डिफेंडर सेल्फ आउट। जिस डिफेंडर ने शिकार करने की कोशिश की वो एंड लाइन से पहले ही जा चुका था बाहर, तो फिर उसे हक नहीं बनता कि वो वापस रेडर पर अटेम्प्ट करे। तो किस्मत राहुल के साथ, और अकेले रह गए हैं। ऑल आउट का खतरा। रौनक पब्लिक स्कूल, और इसके साथ ही ऑल आउट और मुकाबले की भी समाप्ति। साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल की टीम केबीडी जूनियर सीजन 2 के फाइनल में पहुंच चुकी है। ये वो खिलाड़ी है जो फाइनल्स में दारोमदार होगा इस पर साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल। क्या फिर एक बार पिछली बार की तरह फाइनल जीत पाएंगे? फुल टाइम का स्कोर 34-14 से मात दी साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल में इस सेमीफाइनल में।